उधर बैतूल में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। आदिवासी युवक की पिटाई के मामले में एक्शन हुआ है। आरोपी के घर पर चला है बुलडोजर। अतिक्रमण कर मकान बनाकर रखा हुआ था आरोपी ने। आरोपी सोहराब और रितेश चौहान फरार हैं। युवक को निर्वस्त्र कर उसकी पिटाई की थी। विधानसभा में मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा हुआ था। बैतूल के कोठी बाजार इलाके का ही हुआ मामला। उधर कटनी में ईडी ने छापामार कार्रवाई की। आदतन अपराधी बल्लन तिवारी के घर पर ईडी ने छापा मारा है। कुछ महीने पहले भी बल्लन तिवारी के घर पर छापा मारा गया था। बल्लन तिवारी शराब कारोबार में शामिल है। शराब कारोबार में आर्थिक अपराध की शिकायत पर छापा मारा गया। बल्लन तिवारी पर शराब जुआ खिलवाने जैसे कई मामले दर्ज हैं। धार में अवैध शराब का जखीरा बरामद हुआ है। ट्रक से 22 लाख की अवैध शराब बरामद की गई है। बदनावर सिलराजपुर जा रहा था। अवैध शराब से भरा हुआ ट्रक रिंगनौद के पास पुलिस ने घेराबंदी कर इसे पकड़ा है। एक आरोपी को हिरासत में लिया है पुलिस ने। नर्मदा नदी को लेकर मध्य प्रदेश की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। नर्मदा में नहीं मिलने दी जाएगी गंदगी। सरकार का ये फैसला है, ऐलान है, ये कोशिश है। सदन में सरकार ने फैसला लिया, पूरी नर्मदा नदी में नहीं मिलने दी जाएगी गंदगी। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बयान सामने आया है। इसको लेकर 2 साल की समय सीमा तय की गई है। नर्मदा जी के मार्ग पर जितने भी अर्बन बॉडी हैं उनके लिए कार्य योजना बनाई जाएगी। हमने निर्णय लिया है कि नर्मदा जी के पूरे मार्ग पर, नर्मदा जी मैया के नदी के पूरे मार्ग पर जितनी भी अर्बन बॉडीज हैं वहां से नर्मदा जी में गंदगी नहीं जाए, और इसके लिए हमें कार्य योजना बना रहे हैं। और आने वाले समय में लगभग 2 साल की हमने घोषणा की, पर उसके पहले करने की कोशिश करेंगे कि कोई भी अर्बन बॉडीज की गंदगी नर्मदा जी में नहीं जाए, नर्मदा जी की पवित्रता कायम रखें। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर है। थोड़ी ही देर में उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है कांग्रेस पार्टी। मीनाक्षी नटराजन और कमलेश्वर पटेल के नाम पर भी चर्चा है। कुछ ही देर में औपचारिक ऐलान हो सकता है। मध्य प्रदेश में एक सीट पर कांग्रेस की जीत सुनिश्चित है। तो राज्यसभा चुनाव होने हैं, मध्य प्रदेश में उम्मीदवारों का ऐलान कांग्रेस पार्टी कर सकती है थोड़ी ही देर में। मीनाक्षी नटराजन और कमलेश्वर पटेल के नाम की चर्चा चल रही है कि ये दो नेता कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा भेजे जा सकते हैं। कुछ ही देर में औपचारिक ऐलान हो सकता है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में घोषित किए हैं राज्यसभा उम्मीदवार। बीजेपी ने 4 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। डॉक्टर एल मुर्गन और उमेश नाथ महाराज प्रत्याशी होंगे। बंशीलाल गुर्जर और माया नारोलिया उम्मीदवार होंगे। बीजेपी की तरफ से 2 एससी वर्ग से और 2 ओबीसी वर्ग से उम्मीदवार बनाए गए हैं बीजेपी की तरफ से राज्यसभा के लिए। मालवा से 2 उम्मीदवार शामिल हैं इसमें। तो बीजेपी ने राज्यसभा के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। 4 उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है। डॉक्टर एल मुर्गन, उमेश नाथ महाराज, बंशीलाल गुर्जर और माया नरोलिया 2 एससी वर्ग और 2 ओबीसी वर्ग से उम्मीदवार बनाए गए हैं बीजेपी की तरफ से राज्यसभा के लिए। हमारी प्राथमिकता यही होंगी कि हमारी सरकार, मध्य प्रदेश में भी हमारी सरकार है, केंद्र में भी हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार काम कर रही है। हम
सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम भी करेंगे और हमारे क्षेत्र की जो भी समस्या होंगी उनको भी आगे लाकर काम करेंगे। और हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो इस समय काम कर रहे हैं देश के अंदर, अभूतपूर्व काम कर रहे हैं। अभी केवल भगवान महाकाल को प्रणाम करेंगे और जो भी वहाँ से जो ये मेरे जीवन का पहला कदम रहेगा, तो बगैर समझे तो रणनीति किधर बनाएंगे, इसलिए पहले समझेंगे। बड़ी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार घोषित हो चुका है अशोक सिंह, होंगे राज्यसभा उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस ने भी राज्यसभा उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है, अशोक सिंह कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार होंगे मध्य प्रदेश में। तो जैसा कि हम कह रहे थे कि कांग्रेस बहुत जल्द उम्मीदवार का ऐलान कर सकती है और उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है कांग्रेस पार्टी ने। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का राज्यसभा उम्मीदवार घोषित हो चुका है, अशोक सिंह कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार बनाए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी ने 4 उम्मीदवार अपने घोषित कर दिए हैं कांग्रेस की तरफ से। पहला उम्मीदवार राज्यसभा के लिए अशोक सिंह। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने राज्यसभा के लिए अपना पहला उम्मीदवार घोषित किया है। अशोक सिंह कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार होंगे। अशोक सिंह कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार बनाए गए हैं, वर्तमान में कांग्रेस के कोषाध्यक्ष हैं अशोक सिंह। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन पर। शैलेंद्र, क्या कुछ जानकारी है, किस आधार पर अशोक सिंह को चुना है कांग्रेस ने राज्यसभा के लिए? देखिए, उनको सुबह में आपको बता दूं कि तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे, सोनिया गांधी को भी मध्य प्रदेश से राष्ट्रवाद भेजे जाने की तैयारी जो है कांग्रेस ने की थी, और उसके अलावा बात कमलनाथ की हो, अरुण यादव की बात हो, या फिर मीनाक्षी नटराजन का भी नाम चलकर सामने आया था। इसके अलावा कमलेश्वर पटेल जो ओबीसी के बड़े नेता है पीडब्ल्यूसी के तरफ से, उनको लेकर उनके नाम को लेकर भी चर्चा थी। लेकिन अब जो नाम आया बेहद चौंकाने वाला नाम, हालांकि संगठन के बेहद वरिष्ठ नेता माने जाते हैं अशोक सिंह ग्वालियर संबल संभाग से आते हैं और 3 बार लोकसभा का चुनाव भी वो लड़ चुके हैं। अगर वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो वो कोटा अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे हैं, काफी संगठन में पकड़ रखने वाले नेता है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा जो उनको एक बड़ी जिम्मेदारी देने का काम जो है वो कांग्रेस ने किया। जिस तरीके से तमाम जो कयास लगाए जा रहे हैं उन सब पर अब विराम लग चुका है, अशोक सिंह अब कांग्रेस के की तरफ से प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। जी बिल्कुल, और जैसा कि हम सब चर्चा कर रहे थे कि कई नामों पर चर्चा हो रही थी, लेकिन ये चौंकाने वाला फैसला हम कहेंगे कांग्रेस की तरफ से कि अशोक सिंह को राज्यसभा भेजने की तैयारी है। दूसरा कौन सा नाम हो सकता है शैलेंद्र, क्या दूसरा नाम एक महिला का हो सकता है कांग्रेस की तरफ से शैलेंद्र? देखिए, वर्तमान में जिस तरीके की संख्या बल है विधानसभा में, मुझे लगता नहीं है कि कांग्रेस को दूसरा नाम घोषित करेगी। देखिए, मध्य प्रदेश में 5 राज्यसभा की सीटें जो है वो खाली हुई थी, 4 सीटों पर इस पर बीजेपी काबिज थी और 1 सीट पर जो है वो कांग्रेस काबिज थी। जिस तरीके से देखिए ओबीसी के बड़े नेता राजमणि पटेल जो है वो सीट पर काबिज थे, और अब जो है जिस तरीके से आज सुबह ही जिस तरीके से बीजेपी ने 4 ही प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है, क्योंकि संख्या बल के हिसाब से अगर देखें तो 163 सीटें जो है वो बीजेपी के पास है, 163 विधायक बीजेपी के और 66 विधायक जो है वो कांग्रेस के हैं। ऐसे में ये तय माना जा रहा है कि 4 जो राज्यसभा सांसद है वो बीजेपी के कोटे से जाएंगे और 1 जो है वो कांग्रेस की तरफ से जाएगा। जिस तरीके से बीजेपी ने केवल 4 ही प्रत्याशी घोषित किए, साफ कर दिया कि 5वीं सीट पर वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो उम्मीद यही है कि अब कांग्रेस भी केवल 1 सीट पर ही चुनाव लड़ेगी। लेकिन दूसरी अगर सीट पर अगर ऐलान होता है तो बीजेपी भी एक नए प्रत्याशी को मैदान में उतारेगी और एपी भी एक नए प्रत्याशी को मैदान में उतारेगी, और ऐसे में कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो दोनों राजनीतिक दलों को हो सकता है। तो ऐसे में फिलहाल जो संभावना है वो साफ तौर पर नजर आ रही है कि मध्य प्रदेश में राज्यसभा के लिए कोई निर्वाचन नहीं होगा, यानी चुनाव नहीं होगा, बल्कि निर्विरोध ही तौर पर 5 के 5 राज्यसभा सदस्य जो है वो राज्यसभा जाएंगे। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और जिस तरीके से हम देखें राज्यसभा का संग्राम अब शुरू होगा मध्य प्रदेश में शैलेंद्र,
कांग्रेस की तरफ से अशोक सिंह का नाम अब फाइनल हो चुका है और जाहिर सी बात है लोकसभा चुनाव भी आने हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टियां लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भी राज्यसभा के उम्मीदवारों का ऐलान कर रही होंगी। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, जिस बात का मैंने जिक्र किया कि मध्य प्रदेश से कांग्रेस की तरफ से जो अभी वर्तमान में जिनका कार्यकाल अभी थोड़ी देर पहले ही खत्म हुआ, राजमणि पटेल, वो ओबीसी के नेता थे और तब से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस भी इस बार फिर से किसी बड़े ओबीसी नेता को सदन में भेजने की तैयारी में है। और जिस तरीके से जो नाम सबसे पहले चलकर सामने आया था वो अरुण यादव के तौर पर आया था, कमलेश्वर पटेल का नाम सामने आया, बाद में कमलनाथ का नाम सामने आया, उसके अलावा अब से कुछ देर पहले जिस तरीके से तेजी से एक नाम निकल कर आया जो पूर्व लोकसभा की सांसद थी मीनाक्षी नटराजन का नाम सामने आया था, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरीके से ओबीसी चेहरे यानी अशोक सिंह पर एक बार भरोसा जताया तो ये बताता है किस तरीके से मध्य प्रदेश की जो आधी जनसंख्या के हिसाब से देखें तो ओबीसी आधा है, तो आधी आबादी को जो साधने का काम जो है वो इस माध्यम से किया जा रहा है। क्योंकि जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं लोकसभा को ध्यान में रख के ही सभी समीकरण साधे जा रहे हैं, चाहे वह बीजेपी को जिस तरीके से महिला हो या फिर साधु संत हो या फिर जो है वो जो ओबीसी चेहरा हो, इस तमाम चेहरों को साधने का प्रयास ठीक बात कही आपने शैलेंद्र की। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सारे समीकरण साधे जा रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो। बहुत शुक्रिया आपको जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।